2018 में मीडियाटेक ने बहुत ही अच्छी मोबाइल फोन के प्रोसेसर वाली चिप्स बनाई थी, जैसे कि हीलियो P60 और हीलियो P70। और अब 2019 में जो फोन्स आने वाले हैं ना, उनके लिए ही पहले ही चिप लॉन्च कर दी चुकी है हीलियो P90, जिसके फोन्स आपको 2019 में देखने को मिलेंगे। और देखा जाए तो इस चिप के अंदर आपको फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस, यानी कि कुछ जो फीचर आपको फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलते हैं ना, वो फीचर आपको बजट फोन्स में भी देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी AI बेस्ड चिप है, और इसके अंदर AI के आपको वो फीचर्स देखने को मिलेंगे ना, जो अभी तक आपको किसी बजट फोन्स में देखने को नहीं मिलते थे। और अगर हम हीलियो P90 को एक्सप्लेन करें तो ये 12 नैनोमीटर की TSMC की FinFET टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो कि एग्जैक्ट सेम टेक्नोलॉजी है जो आपको हीलियो P60 और P70 में देखने को मिलती थी। लेकिन वहीं जो हीलियो P90 इसका जो कॉम्पिटिशन है ना, वो है स्नैपड्रैगन 670 और स्नैपड्रैगन 710, जो कि दोनों ही बने हैं 10 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर। तो देखना ही होगा कि एक्चुअली में इसकी जो रॉ परफॉर्मेंस है वो इन दोनों चिप्स के साथ कैसी रहती है। ऊपर से अगर हम इस प्रोसेसर को थोड़ा डिटेल में जाने तो ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसके अंदर आपको जो दो कोर मिलते हैं वो कोर है कॉर्टेक्स A75 के, जो कि हाई पावर्ड कोर है, जिनकी जो स्पीड है वो है 2.2 गीगाहर्ट्ज़। और वहीं इसके अंदर जो 6 कोर्स है वो है लो पावर्ड A55 आर्किटेक्चर पे, जिनकी क्लॉक स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज़। तो A55 और A75 का पहली बार इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है, तो उसकी जो रियल परफॉर्मेंस होगी ना, तो वो भी देखने वाली बात है। और अगर हम इसके GPU की बात करें तो इसके अंदर आपको IMG यानी कि इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी का पावर VR GPU देखने को मिलता है, जो कि है GM9446। और ये GPU बेटर है उस माली GPU से जो आपको हीलियो P60 और P70 में देखने को मिलता था। और इसलिए जो P60 की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना, वो उतनी अच्छी नहीं थी, और अब लगता है कि जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना, वो भी बेटर हो गई है। और ऊपर से जो CPU की परफॉर्मेंस है ना, वो भी बेटर होने वाली है। और अगर हम बात करें कि ये जो हीलियो P60 है, ये कितने मेगापिक्सल के कैमरा तक को सपोर्ट कर सकता है, तो ये सपोर्ट कर सकता है 48 मेगापिक्सल का सिंगल लेंस का कैमरा। और अगर हम बात करें डुअल कैमरास की, तो 24 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरास को सपोर्ट कर सकता है। तो मतलब आपको एक ऐसा फोन भी देखने को मिल सकता है जिसके अंदर आपको 24 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल का कैमरा कॉम्बिनेशन मिले। ऊपर से 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएगा 30 FPS में, और इसके अंदर आपको 720p में 480 FPS की स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, जो कि काफी बड़ी बात है। और ये फीचर आपको हाई एंड फोन्स में देखने को मिलता था, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 845 जैसी चिप देखने को मिलती थी। ऊपर से इसके अंदर आपको 8GB तक की रैम देखने को मिल सकती है, तो क्या पता कोई ऐसा फोन भी आ जाए इसके साथ जिसके अंदर आपको 8GB रैम देखने को मिले, जो कि LPDDR4X पे बेस्ड होगी। ऊपर से डुअल 4G सिम डुअल वोल्टी को सपोर्ट करेगा। और मीडियाटेक ने इस पूरी चिप को AI पे कॉन्सेंट्रेट करके रखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर आपको APU 2.0 देखने को मिलता है, जो कि एक डेडिकेटेड चिप है जो मीडियाटेक हीलियो P90 के अंदर लगी है। और अगर हम इसके जो AI का जो बेंचमार्क स्कोर होता है ना, उसको कंपेयर करें, तो हीलियो P90 का जो GMAC AI का स्कोर है वो है 1127, वहीं जो स्नैपड्रैगन 710 आती है ना, उसका जो स्कोर है वो है 614। तो देखा जाए तो जो सिंथेटिक बेंचमार्क होते हैं ना, उसमें तो AI के मामले में ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि AI के आपको इसमें वो फीचर्स देखने को मिलेंगे ना, जो आपको किसी हाई एंड फोन्स में देखने को मिलते थे, और वो भी अच्छी बात है, आपको बजट फोन्स में देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर से कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे कि 5% ह्यूमन पोज ट्रैकिंग, तो ये देखने को मिल सकता है। फुल बॉडी अवतार AR यानी कि आर्गुमेंट रियलिटी में कोई अवतार क्रिएट हो जाए, 3D पोज ट्रैकिंग देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको कैमरा के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल सीन आइडेंटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आर्गुमेंट रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी का एक्सेलरेशन और उसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। AI डेप्थ इंडेंट देखने को मिलेगा। गूगल लेंस का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और गूगल की जो AR कोर थी ना, जो आपको हाई एंड फोन्स में देखने को मिलती थी जैसे पिक्सल, तो उसका सपोर्ट भी आपको P90 वाले किसी फोन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो फेस अनलॉक है ना, तो ये उसे भी सपोर्ट करेगी, और AI का यूज करके जो फेस अनलॉकिंग है, ये ज्यादा सिक्योर होगी और ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो ओवरऑल जो AI का यूज किया जाएगा ना, वो आपके फोन के एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर बनाने में किया जाएगा। और ऊपर से जो AI है ना, ये आपके कैमरा को भी हेल्प करेगी, यानी कि जब भी आप कोई पिक्चर लेंगे तो AI की मदद से आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। और ऊपर से इसके अंदर आपको रियल टाइम बोके का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो आपको अभी तक केवल फ्लैगशिप जैसे फोन्स में देखने को मिल पाता है। तो ये काफी अच्छी बात है, यानी कि 2018 में जो फ्लैगशिप लेवल के जो फोन्स होते थे और उनमें जो AI बेस्ड फीचर्स मिलते थे और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस होती थी ना, तो वो आपको मीडियाटेक के हीलियो P90 में देखने को मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब आपको किसी बजट फोन्स में देखने को भी मिल सकता है, बस कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर कंपनीज अगर हीलियो P90 के ऊपर कोई फोन निकालने वाली है ना, उसको थोड़े सस्ते में निकाले। और अगर हम पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की बात देखें, तो मुझे लगता है कि जो अगला रियलमी का फोन होने वाला है ना, तो उसके अंदर आपको हीलियो P90 देखने को मिल सकती है, जैसे कि जो रियलमी 1 था वो हीलियो P60 लेकर आया, और उसके बाद सब लोगों को पता चला कि हीलियो P60 कितनी अच्छी चिप है। उसके बाद जब रियलमी U1 आया, तो उसके अंदर आपको पता चला कि हीलियो P70 कितनी अच्छी चिप है। और अगर हम बात करें तो स्नैपड्रैगन 660 से ज्यादा पावरफुल है, जो कोई आपको रियलमी 2 प्रो में देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि जो अगला रियलमी 3 या रियलमी 3 प्रो, उसके अंदर आपको हीलियो P90 देखने को मिल जाए। और P90 मेरे को लगता है कि स्नैपड्रैगन 670 और 710 के बीच में होगी, और कुछ मामलों में ये भी हो सकता है
कि स्नैपड्रैगन 710 से थोड़ी ज्यादा फास्ट भी हो जाए, लेकिन इसके फोन अगर 10,000 रुपए के आसपास आते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और वो फोन काफी ज्यादा किलर होगा, क्योंकि 10,000 के आसपास का जो बजट होता है ना उसमें आपको फिर ऐसे फीचर मिल जाएंगे जो आपको किसी महंगे 20-30,000 के फोन में देखने को मिलते हैं। तो आने वाले समय में जो बजट फोन होने वाले हैं ना वो काफी ज्यादा किलर होने वाले हैं। बाकी आप लोग किस कंपनी के फोन में हीलियो P90 को देखना चाहोगे तो ये बात नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।